दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली का प्रोग्राम बन गया है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू अभी तक सामने नहीं आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नवजोत सिद्धू के शामिल न होने के पंजाब के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति और नवजोत सिद्धू की चुप्पी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के संबंध में अपनी टिप्पणी भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। दिल्ली को हमेशा से भाजपा का गढ़ माना जाता है। राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1993 में दिल्ली विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित की अगुवाई में लगातार 15 साल तक कांग्रेस ने दिल्ली पर शासन किया था, लेकिन 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। वर्तमान चुनाव में चल रही राष्ट्रवाद की आंधी में एक बार फिर कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक कायदे से अपना प्रचार अभियान शुरू भी नहीं कर सकी है। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करने से पहले जरा दिल्ली विधानसभा चुनाव की ताजा स्थिति की बात कर लेते हैं। अगर देश के सट्टा बाजारों की रिपोर्ट पर विश्वास करें तो भाजपा दिल्ली में 50 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। 10 दिन पहले तक आसानी से सरकार बनाती दिख रही झाड़ू वाली पार्टी 20 सीटों पर सिमट रही है। सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी पिछले चुनाव से कम रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हालत के लिए शाहीन बाग की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुभाष चोपड़ा और प्रचार कमेटी के प्रभारी कीर्ति आजाद के बीच मतभेद के कारण प्रचार अभियान गति नहीं पकड़ सका है। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव में भी बड़ी गलतियां की गई है। मतदान में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और कांग्रेस द्वारा भाजपा को रोकने के लिए आप उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात चलने लगी है। दिल्ली में पंजाबी मतदाताओं की बड़ी गिनती है। कम से कम एक दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर पंजाबी मतदाता जीत और हार में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू का नाम शामिल था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली में प्रचार का 3 दिन का प्रोग्राम बन गया है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की भारी मांग के बाद भी नवजोत सिद्धू के दिल्ली चुनाव में जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आइए अब जरा दिल्ली विधानसभा चुनाव से नवजोत सिद्धू की दूरी की वजह जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम आने के बाद नवजोत सिद्धू की नई दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई थी। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में नवजोत सिद्धू ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की कमजोर स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में नवजोत सिद्धू ने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हारने पर राजनीति छोड़ने की घोषणा करके अपनी काफी किरकिरी करवाई थी। लोकसभा चुनाव प्रचार में नवजोत सिद्धू ने शालीनता की हद पार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमजोर कांग्रेस के मंच पर जाकर नवजोत सिद्धू अपनी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते। पंजाब की राजनीति के ताजा समीकरण भी नवजोत सिद्धू को दिल्ली के मैदान में कूदने से रोक रहे हैं। नवजोत सिद्धू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों से प्रभावित हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने नवजोत सिद्धू को साथ आने का न्योता भी दे रखा है। भाजपा और अकाली दल बादल के रिश्तों में खटास भी नवजोत सिद्धू को रास आ रही है। भाजपा और अकाली दल टकसाली की बढ़ती नजदीकियां भी नवजोत सिद्धू के पक्ष में जाती दिख रही हैं। भाजपा को पंजाब में किसी दमदार सिख चेहरे की तलाश है। टकसाली अकाली दल तो नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की घोषणा भी कर चुका है। नवजोत सिद्धू को इस बात का भी अच्छी तरह से एहसास है कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की
स्थिति काफी कमजोर रहने वाली है। क्रिकेट से लेकर राजनीति तक के अपने कैरियर में नवजोत सिद्धू ने अनेक भावुक फैसले लिए हैं। ईमानदार नवजोत सिद्धू अपने दिल की बात जुबार पर लाने में कभी संकोच नहीं करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों में नवजोत सिद्धू ने राजनीति की किताब के कई मुश्किल सबक याद किए हैं। यही कारण है कि अब नवजोत सिद्धू कांग्रेस जैसी कमजोर कड़ी के लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा से अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहती। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।